पाकिस्तान अजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी के जेर एहतमाम इस्लामाबाद में अजाइल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जिसमें अजाइल टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े चैलेंजेस से न सिर्फ आगाही हासिल की जाए बल्कि इन चैलेंजेस से निपटने का तरीकाकार भी वजा किया जाए। पाकिस्तान अजाइल सोसाइटी के हेड नईम इकबाल ने डीबी टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, Agile is very much different than our traditional project management ways. हम project management में waterfall use करते थे, उससे सबसे बड़ा जो एक नुकसान है कि आप client के पास, client से communication आपकी बहुत slow है, बहुत ज़्यादा periods के बाद है। यहाँ पे agile methods में आपके पास client के साथ continuous communication है। When you have continuous communication, it's much better for the client and for you to work for the project success. Why? Because आप collaborate कर रहे हैं client के साथ और क्लाइंट की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एजाइल इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू द चेंजेस। सो ये एजाइल एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ मेथडोलॉजी, वी से इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ फिलॉसफी एंड इट इज़ अ कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोसेस में, प्रोजेक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन डिलीवरी, दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन टाइम टू द मार्केट, all those challenges can be coped up with implementing agile in their organizations. Lahore se aaye Arham Soft ke CEO ne DBTV se khususi guftagu karte hue kaha, the purpose of coming here is to get connected with all the community which is very enthusiastic in implementing the agile technology in software development. Shurka ne agile ki ahmiyat ko ujagar karte hue kaha ki agile technology work environment aur business ke rawaiti tareekon se mukhtalif hai. ये एक ऐसा माइंडसेट है जो मुसलसल तब्दीली और चैलेंजेस से निपटने का नाम है और इसके लिए एक एफिशिएंट टीम की ज़रूरत होती है। एजाइल आप ऐसे कह लें कि इट्स अ वे ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिजल्ट्स और इंक्रीमेंट्स टू द कस्टमर मोर फ्रीक्वेंटली एंड इन अ बेटर मैनर, मोर कनेक्टेड टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। ये है बेसिकली, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते थे वो डराइव्ड हुए हुए थे बाकी कंस्ट्रक्शन से, ऑल मेडिसिन से, ऑल दोज थिंग्स से, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो एजाइल इज़ डिवेलपिंग थिंग्स आइटरेटिवली एंड डिलीवरिंग टू मीटिंग द कस्टमर नीड्स एंड डिलीवरिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आई थिंक एजाइल इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। इट इज़ द एक्सेप्टेंस दैट थिंग्स विल चेंज और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो हमने इनहेरिट किए थे फ्रॉम अदर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा लॉक्ड होती हैं, कंक्रीट होती हैं स्टार्ट में। और जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द चेंज विल कम एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। तो दैट इज़ व्हाई एजाइल इज़ देयर एंड इट इज ऑल अबाउट द वेलकमिंग द चेंज। डीबीटीवी की जनरल मैनेजर बख्तावर महमूद ने मीडिया इंडस्ट्री में एजाइल अप्रोच की अहमियत को उजागर किया। उनका कहना था कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। रेडियो के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारी इनोवेशन आई हैं। पिछले आपके 2010 तक जितनी भी इनोवेशन आई हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के लास्ट 5 सालों के अंदर, तो जो इनोवेशन आई हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल दिस क्रेडिट गोज़ टू द एजाइल टेक्नोलॉजी। हम आजकल सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होने के बावजूद फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एजाइल अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, मीडिया के अंदर ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस की बात कर रहे हैं। ये बेसिस हैं उस एजाइल अप्रोच और उस एजाइल मेथडोलॉजी की जो कि कुछ कंपनीज इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। DBTV विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेट चैनल यूजिंग द AI एनेबल्ड न्यूज़ रूम, हमारा मकसद ही यही था कि हम एजाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, एजाइल मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएँ और स्पेशली मीडिया की सिचुएशन जो पाकिस्तान में है इसको बेहतर किया जाए। इससे हाजरीन ने महफिल को अजाइल टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने के लिए माजिदुद्दीन ने हल्का फुल्का अंदाज अपनाया और मजाया और शायराना अंदाज में हाजरीन ने महफिल को मुतवज्जो किया और खूब दाद समेटी। लैपटॉप पे लॉग इन जो किया यानी आला मसरूफियत में दखूल किया तो क्या पाया कि कई रोज की अर्क रेजी से जो काम था ठिकाने लगाया, कई रोज की अर्क रेजी से जो काम था ठिकाने लगाया उस पे 7 समुंदर पार से बुरा तबसरा आया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका और पार्टनर्स में शील्ड तकसीम की गईं।